हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ अग्रिक प्रशांत पारधी, प्रैक्टिसिंग अग्रिक फ्रॉम नागपुर। और आज की वीडियो में दोस्तों हम लोग एक दो बेडरूम के रेजिडेंशियल हाउस के प्लान को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि हम लोग हाल ही में हम लोग इसे बनाया हुआ था हमारे क्लाइंट के लिए। तो आज की वीडियो में दोस्तों मैं इस प्लान को डिस्कस करूँगा कि किस तरह से हम लोगों ने इसके प्लान को बनाया हुआ है। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज की इस वीडियो को। तो सबसे पहले बात दोस्तों, ये जो पूरा प्लान बना है इसका जो प्लॉट एरिया है ये एक्चुअली काफ़ी बड़ा था, 4,500 स्क्वायर फीट के नियर बाय का एक प्लॉट था। बट जिसमें से क्लाइंट के रिक्वायरमेंट ऐसी थी कि उन्हें कुछ 1200 स्क्वायर फीट के नियर बाय के एरिया पर ही उन्हें कंस्ट्रक्शन करना है और बाकी की जो स्पेस है उसे वैकेंट छोड़ देना है। तो हम लोग इसे 1200 स्क्वायर फीट तक के प्लॉट के लिए भी कंसिडर कर सकते हैं इस डिज़ाइन को। तो उस हिसाब से हम लोग ने इसे प्लान किया हुआ। तो सबसे पहले बात दोस्तों इसमें हम लोग समझ लेते हैं कि इसका प्लॉट का एक्चुअल में साइज़ कितना हुआ है। तो जो प्लॉट का साइज़ जो है वो ऐसे में आपको हॉरिजॉन्टल में दिखना हुआ 43 फीट 7 इंची का है इसका साइज़ है, और डेप्थ में जो है ये एक्चुअल में 107 फीट का है। अब इसमें हम लोगों ने क्या किया, बैक साइड में सिर्फ 32x29 स्क्वायर फीट के एरिया में हम लोगों ने यहाँ पे कंस्ट्रक्शन किया हुआ है और बाकी की जो जगह है वो हम लोगों ने वैगन छोड़ दिए, जिसमें से मार्जिन हम लोगों ने एक साइड में 12 फीट का लिया हुआ है, बैक साइड में हमारा 4.5 फीट का मार्जिन है, सॉरी यहाँ पे साइड में हम लोगों ने 4 फीट का मार्जिन लिया हुआ है, पीछे की साइड में हम लोगों ने 4.5 फीट का मार्जिन इसमें लिया हुआ है। इसी तरह दोस्तों एक साइड में हम लोगों ने 2.5 फीट की मार्जिन छोड़ी है और बाकी की साइड में सामने की जो स्पेस है वो फ्यूचर एक्सपांशन के लिए यहाँ पे छोड़ा हुआ है। आगे के साइड में यहाँ पे 12 मीटर का रोड आ रहा है और दोनों साइड में इसमें प्लॉट आ रहे हैं और पीछे इसके साइड में भी प्लॉट आ रहा है। तो अब दोस्तों इस यहाँ पे हम लोग सबसे पहले डिस्कस करेंगे इसके फ्लोर प्लान को। तो प्लान को दोस्तों हम लोग इस तरह से प्लान किया कि हमारा लेफ्ट हैंड जो साइड है ये एक्चुअली नॉर्थ डायरेक्शन है। यहाँ पर हम लोगों ने कोशिश की कि हम लोग वास्तु को जितना हो सके उतना एज इट इज हम लोग बनाने की कोशिश करें। हम लोग ऐसे 100% तो वास्तु के हिसाब से नहीं बना हुआ, बट इसमें काफ़ी सारी चीज़ें एज पर वास्तु के हिसाब से प्लान की हुई है। तो पहली बात दोस्तों यहाँ पे जो स्टेयरकेस है इसे एक्चुअली हम लोगों ने बाहर के साइड से प्लान किया हुआ है, क्योंकि अगर सपोज ऊपर के अगर फ्लोर अगर बना रहे और उसे सेपरेटली रखना है तो इसलिए स्टेयरकेस को हम लोगों ने इसमें बाहर के साइड से प्लान किया हुआ है। अब यहाँ पे बात दोस्तों, तो जैसे हम लोग यहाँ पे आगे के साइड में हम लोगों ने एक छोटा सा पोर्च बनाया हुआ है, जो कि पोर्च का जो साइज़ है 5 फीट बाय 13 फीट का नियर बाय का ये एक पोर्च आ रहा है, जहाँ से जैसे हम लोग एंटर करेंगे तो एक एंट्री के पास में हम लोग एक लॉर्ड गणेशा का स्टैचू का एक प्रोविजन दिया हुआ है, प्लस यहाँ पे एक शू रैक का हम लोगों ने एक प्रोविजन दिया हुआ है। सामने के साइड में एक बड़ी साइज़ की विंडो आएंगी और यहाँ पे 4 फीट का हम लोगों ने यहाँ पे मेन डोर दिया हुआ है। अब यहाँ पे डोर दोस्तों जब हम लोग एंट्री कर रहे हैं तो हम लोगों ने क्या किया, ऐसे 3 फीट के बाद में दिया हुआ है। इसके पीछे रीज़न ये है कि आपको अगर कुछ भी शू रैक या फिर इस साइड में कुछ भी स्टोरेजेस वगैरह बनाना है तो मिनिमम आपको 1 फीट का आपको वहाँ पर जगह लगती है, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे 1 फीट के बाद में ब्रिकवर्क दे के फिर यहाँ पे 4 फीट का हम लोग यहाँ पे डोर दिया हुआ है। अब दोस्तों जैसे हम लोग यहाँ पे एंटर करते तो हॉल का जो साइज़ है एक्चुअली काफ़ी बड़े साइज़ का हॉल दिया हुआ है, ये 12 फीट 10 इंच बाय 16 फीट 10 इंच का एक बड़े साइज़ का हॉल आ रहा है, जहाँ पे हमारा सोफ़ा एक आ रहा है, जिसमें सोफ़ा हमारा इजीली हम लोग 6 से 7 सीटर का सोफ़ा बना सकते हैं। उसके बाद में भी हमारे पास काफ़ी सारी जगह यहाँ पे वैकेंट रहेगी। इसके अपोजिट वॉल पर हम लोगों ने टीवी यूनिट का प्रोविज़न दिया हुआ है, प्लस यहाँ से अभी 2 एंट्रीज है, एक हमारा किचन की तरफ जाने वाली एंट्री और दूसरी जो एंट्री है वो हमारे स्टडी एरिया की तरफ एंट्री दी हुई है। यहाँ पे दोस्तों हम लोगों ने कोशिश की कि नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन पे हम लोगों ने हमारा मंदिर को रखा हुआ है, जिसका जो एंट्री है वो मंदिर जो रहेगा वो ईस्ट वेस्ट फेसिंग के ऊपर में रहेगा। तो जो मंदिर भी आ रहा है वो हमारा 5 फीट बाय 6.5 फीट के नियर बाय का हमें मंदिर मिल रहा है यहाँ पे, और प्लस क्लाइंट की एक रिक्वायरमेंट थी कि उन्हें स्टडी रूम चाहिए जिसके ऊपर वो अपना ट्रेनिंग वगैरह या फिर स्टडी वगैरह का जो भी काम है वो कर सके, इसलिए यहाँ पे एक हम लोग एक स्टडी रूम बनाया जो कि 7.5 स्क्वायर फीट बाय 6.5 स्क्वायर फीट का था। अब दोस्तों यहाँ से जैसे हम लोग इस किचन के साइड में आएंगे तो किचन का जो साइज है ये किचन कम डाइनिंग एरिया आ रहा है, जो हॉरिजेंटल में हमारा 10 फीट 10 इंच बाय 17 फीट 3 इंच का एक बड़े साइज का किचन एरिया आ रहा है, जिसमें हम लोग इजिली हमारा डाइनिंग एरिया और किचन एरिया को प्लान कर सकते हैं। किचन में से हम लोगों ने एक बाहर के साइड में यूटिलिटी के लिए तब जाने के लिए भी बाहर के लिए एंट्री रखी हुई है, प्लस यहाँ पे एल शेप में एक ओटा आ रहा है जिसमें हम लोग ईस्ट फेस पे हमारा बर्नर आ रहा है और यहाँ पे एक साइड में हम लोग यहाँ पे बेसिक का प्रोविजन दिया है, प्लस इसमें हम लोग ओवरहेड कैबिनेट वगैरह भी प्लान कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों यहाँ पे हम लोगों ने रेफ्रिजरेटर का प्लान प्रोविजन दिया हुआ है, साथ में यहाँ पे हम लोग स्टोरेज के लिए टॉयलेट भी यहाँ पे दे सकते हैं। अब यहाँ से जैसे हम लोग एंटर करते हैं तो एक बेडरूम हमारा ये साइड में बन रहा है और दूसरा बेडरूम जो है वो हमारा इस पोर्शन में बन रहा है, जिसमें से मास्टर बेडरूम के लिए हम लोगों ने अटैच टॉयलेट प्लस ड्रेसिंग एरिया का प्रोविजन दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम लोगों ने कॉमन टॉयलेट को दिया हुआ है। तो हम लोग पहले सबसे पहले कॉमन टॉयलेट को डिस्कस करें तो कॉमन टॉयलेट के पहले एक बाहर में एक बेसिन का प्रोविजन दिया हुआ है, जिससे अगर
हैंड वॉश करना रहा, ब्रश वगैरह भी करना रहा, तो वहाँ पे हमें इस बेसिन का यूज आ सकता है। साथ ही दोस्तों यहाँ पे जो टॉयलेट दिया हुआ है ये हमारा 3 फीट 11 इंच मतलब 4 फीट इसे नियर बाय पकड़ लीजिए, प्लस ये 3 फीट 3 इंच का यहाँ पे टॉयलेट आ रहा है, जिसमें इजिली हम लोग बड़े साइज का शावर या बैक साइड में दिया है। सेंटर में हम लोगों ने यहाँ पे बेसिन को दिया हुआ, सॉरी डब्ल्यू सी को दिया हुआ, और उसके ऊपर में हम लोगों ने बेसिन का प्रोविजन इसमें दिया हुआ है। तो इस तरह से इसका प्लान हो जाता है। यहाँ से एंटर करते बताओ, जैसे हम लोग मास्टर बेडरूम में आएंगे तो मास्टर बेडरूम एक बड़े साइज का रहा, जिसमें 11 फीट 1 इंच बाय 11 फीट 8 इंच का हमारा मास्टर बेडरूम आ रहा है, जिसमें हम लोग एक किंग साइज का बेड मतलब 6 फीट बाय 6.5 फीट का बेड ले रहे हैं, और जिसके दोनों साइड में एक साइड टेबल हमारे इजीली आ जाएंगे। प्लस यहाँ पे हम लोगों ने वेंटिलेशन के लिए विंडो का प्रोविजन दिया हुआ है, और बेड के अपोजिट में हम लोगों ने टीवी के प्रोविजन को रखा हुआ है, जिसे आराम से हम बैठ के यहाँ पे टीवी भी देख सकते हैं। अब यहाँ से जैसे हम लोग एंटर करेंगे तो टॉयलेट के जाने के पहले हमारा ड्रेसिंग एरिया आएगा, जिसे हम लोग एज ए चेंजिंग रूम भी इसे ट्रीट कर सकते हैं, जिसका साइज जो है वो 5 फीट 6 इंच बाय 5 फीट 11 इंच का हमारा एक चेंजिंग एरिया आ रहा है, जिसमें एक बड़ा सा वार्डरोब और ड्रेसिंग को हम लोग इसमें दे सकते हैं। यहाँ से जैसे एंटर करेंगे तो टॉयलेट आ रही है हमारी, जिसमें टॉयलेट का जो साइज़ है वो हमारा 5 फीट 11 इंच बाय 5 फीट 11 इंच मतलब 6 बाय 6 फीट का हमारा टॉयलेट आ रहा है, जिसमें कमोड, शावर एरिया और बेसिन प्रॉपरली बन रहा है। अब ये एक एक्चुअली स्क्वायर शेप का टॉयलेट बन रहा है, तो हम लोगों ने उसी के हिसाब से इसकी प्लानिंग की हुई थी। और यहाँ पे हम लोगों ने क्या है ट्राई किया कि कमोड का जो फेसिंग है हमारा नॉर्थ डायरेक्शन में रखा हुआ, क्योंकि एज पर वास्तु बोला जाता है कि हम लोग जो कमोड रहता है वो नॉर्थ फेसिंग की तरफ होना चाहिए, तो उसी हिसाब से इसको यहाँ पे हम लोगों ने प्लान किया हुआ है। अब दोस्तों यहाँ से जैसे हम लोग बाहर आते हैं तो जो हमारा दूसरा बेडरूम है, दूसरे बेडरूम को भी इसी तरह से प्लान किया कि बेडरूम के अंदर जो जो मिनिमम जो चीज़ें रिक्वायर्ड है वो सारे के सारे इसमें प्रोवाइड करके रखी हुई है। एंट्रेंस पे आते बराबर हमारा एक बड़े साइज का बेडरूम बेड आ रहा है, जो कि 6 बाय 6.5 फीट का बेड है। दोनों साइड में साइड टेबल, एक साइड में बड़ा सा वार्डरोब और उसके साथ अटैच एक ड्रेसिंग। इसी की तरह टीवी के प्रोविजन को भी रखा हुआ है, ये देना नहीं देना वो क्लाइंट के ऊपर डिपेंड करता, बट हम लोगों ने हमारा प्रपोजल में से दिया हुआ है। और प्लस यहाँ पे एक विंडो आ रही है, तो इसको एक प्रॉपरली वेंटिलेशन वगैरह आ रहा है। तो इस तरह से दोस्तों हमारा एक जी प्लस सॉरी ग्राउंड फ्लोर का एक 2 BHK का घर का एक प्लान इसमें बना हुआ है। तो ये प्लान आपको कैसा लगा दोस्तों कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, साथ ही आपके जो भी सजेशंस होंगे आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और इसी तरह के अच्छे अच्छे फ्लोर प्लान्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।